are all doing good and fine. It's Megha Yanti ki ladki here and welcome back to my channel. And welcome back to another video. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ. तो मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ. सो गाइज, हमारे घर में ना एक टैलेंट पाया जाता है, तो मैंने सोचा कि उस टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए. तो मैं आप लोगों को कुछ कारीगरी, मतलब आर्टिस्ट जो कहते हैं ना, आर्टिस्ट बनाते हैं, क्राफ्ट हो गए, तो हमारे घर में ऐसा कुछ पाया जाता है. तो मैं आज रिवील करने वाली हूँ कि हमारे घर में क्या पाया जाता है. हाँ, तो गाइज, जब मैंने देखा अपने घर में ये टैलेंट पाया जाता है, तो भाई मैंने एक जो है ना इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है ऑर्डर की है. तो मैंने कहा उस आर्टिस्ट को गिफ्ट देना ही बनता, जब इतना अच्छा उनका वर्क है, जब इतनी अच्छी उनकी टैलेंट है उनके अंदर. सो वो आगे बढ़ाया जाए और उनके काम को आगे तक लेकर जाया जाए. तो मैंने सोचा कि उनको एक अच्छी सी प्यारी सी गिफ्ट करनी चाहिए चीज़. तो मैंने उनके लिए जो ऑर्डर किया है वो जी दराज से ऑर्डर किया, आप लोग देख सकते हो. ठीक है, बाय द वे ये आज ही मुझे रिसीव हुआ है. और ये जो है इनके स्टोर का नाम है दी हाकनी आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर. ठीक है, सो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया. देन ये मुझे रिसीव हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 4 घंटे हो गए इसे रिसीव हुआ है. तो मैंने सोचा अब इसकी अनबॉक्सिंग भी आप लोगों के सामने करनी चाहिए कि मुझे क्या रिसीव हुआ है. अभी तक मैंने जस्ट इसको ओपन भी नहीं किया है. तो मैं इसके रिव्यूज़ भी, जो इनकी स्टोर है दराज पर, उनके स्टोर के रिव्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. देन आप लोग उनके स्टोर पर भी जाके देख सकते हो और मेरी वीडियो में भी देख सकते हो. सो गाइज, जिस आर्टिस्ट का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, जो मैं उनको रिवील करने लगी हूँ, आप लोगों ने बस बताना ये है कमेंट्स के अंदर कि ये कौन है. ठीक है, और अब इनवाइट करते हैं अपनी वीडियो के अंदर इनको. सो द वन एंड ओनली द फेमस आर्टिस्ट मुस्फरा सिद्दीकी. वेलकम वेलकम वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कर दीजिए हेलो. अस्सलाम वालेकुम. कैसे आप लोग? ठीक है. सो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक ही हूँ. सो गाइस, पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी कि इनकी आर्ट कैसी है. ठीक है, कि मैंने किस चीज़ को देखकर इनका टैलेंट सोचा कि आगे तक बढ़ाना चाहिए, इनको लोग आगे तक वॉच करें. तो मैं आपको पहले इनकी आर्ट दिखाती हूँ कि इनकी आर्ट मुझे कैसी लगी. ठीक है, फर्स्ट पे तो मुझे इनका आर्ट ये बहुत पसंद आया. आप लोग चेक कर सकते हो इन्होंने कितनी ज़बरदस्त आर्ट बनाई है. सो इन्होंने ये मार्क्स गर्ल बनाई है, आप लोग चेक कर सकते हो. मार्क्स गर्ल कितनी प्यारी लग रही है, कैमरे के करीब कर देती हूँ. ये कितनी प्यारी आर्ट इन्होंने बनाई है. इन्होंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई है जो कि अपनी कॉपी में जो है बना बना के जो है सेव कर दी हैं. सो इनकी वजह से जो है ना मैंने ऑर्डर किया. मैंने सोचा जब ये इस चीज़ में, मतलब इतनी थोड़ी टैलेंटेड है, सो इनको आगे भी मौका देना चाहिए और इनके लिए जो है मैंने ऑर्डर किया है. देन इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग. हाँ जी, सो इसको खोलने लगे हम. सो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है. वैसे इनको पता भी नहीं होगा ये है क्या, इनको बताना पड़ेगा. तो भी नहीं पता क्या नहीं, ये तो मुझे पता है. सो मैं आप लोगों की आंखों के सामने इसको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ. तो इनको नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मैं इनको बताऊंगी कि ये क्या है, इसमें ये क्या कर सकती हैं. ठीक है, सो लेट्स अनबॉक्स दिस. गत्ते नहीं भरा अभी तक तो मुझे. कोई नहीं, कोई नहीं. वाओ नहीं नहीं, सबर करो, रुको जरा, रुको जरा, सबर करो. सो मैं समझी थैंक यू कार्ड रखा हुआ. ठीक हक बट पैकिंग बहुत अच्छी है. हमारे सब कमेंट पास करने के लिए बैठे हुए गाइस. सो ये खाकी, इसको क्या कहते हैं, इस खाकी पेपर को क्या कहते हैं, आई डोंट नो. सो क्या कहते हैं इसको, मैं एनवेलप, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एनवेलप है. ठीक है, कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना क्या कहते हैं. कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या है. तो इसको अनबॉक्स करते हैं. हाँ जी, निकल गया ना. तो ये है जी, ये चेक कर सकते हो, ये है आर्ट पेपर्स. ठीक है, आर्ट नहीं है, नो है. नो पेपर है, नो भी नहीं है, दस. ये आर्ट पेपर है जिसपे ये क्राफ्ट नहीं, नो है, गिनो, मेरे को गिर गया. अब होंगे आर्ट. ये आर्ट पेपर है जिसपे ये ड्राइंग कर सकती है. ठीक है, ये वाले पेपर्स नहीं है, ये वाले पेपर्स नहीं है जिसपे ये करती है. मतलब ये स्कूल की कॉपी हो गई, ट्यूशन की कॉपी हो गई, देन कोई भी ऐसी रजिस्टर उठाया उस पर आर्ट कर ली. बट मैंने इनके लिए ऑर्डर किया और अब इनको दे. ये जो उल्टी सीधी जगहों पे बनाती है ना, ये उल्टी सीधी जगह बनाएंगे, ये सीधी सीधी जगह बनाएंगे. अब मैंने सोचा यार इतनी मेहनत हो तो सपोर्ट करना तो बनता है.
तो ये जो है ना, हमने अपने बाथरूम की दीवार पे कराया कलर, हर जगह इन्होंने तस्वीर बना दी। तो ये जो है ना आर्ट पेपर मैंने इनके लिए ऑर्डर किए, तो इनसे पूछते हैं कैसा लगा। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। आए जब कोई अपना ही बोलता है ना, दिल पे जाके लगती है। हाय हाय हाय, हवा करते हैं। तो ये आर्ट पेपर है, इसमें आप ड्राइंग कीजिएगा और मुझे जो है ना अपनी ना वॉल डेकोरेट करनी है इसकी। अपने काम के लिए। वाह बेटे वाह बेटे वाह। तो मुझे वॉल डेकोरेट करनी है, तो मैंने सोचा इनसे आर्ट बनवा लेनी चाहिए। सो दिस इज फॉर यू। और आपको कैसा लगा, एक पप्पी शप्पी दे दीजिए और काम आगे बढ़ाइए। बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने घाट किया तुम्हारा। गाइस मैं थंबनेल बना रही थी, थंबनेल में चाहिए था हग, मतलब एक फीलिंग आया ना अच्छी वाली कि मैंने गिफ्ट दिया है किसी को कुछ। सो मैं थंबनेल बना रही थी, पहली बार गिफ्ट दिया, अच्छा लगा। मैंने कहा थंबनेल बना लो, हग करना है करी, क्या करना है, मैंने बोला हग करना है करी। जाके करके आ गए हाथ धो रही। कह रही जिंदगी में पहली बार गया, इतना बुरा सा लग रहा है। सो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है ये है कौन, ठीक है। वैसे तो चुड़ैल है, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में फिर भी बताना है ये है कौन। हाँ तो भाई तुम तो रिव्यू दे दो कि अच्छा कैसा लगा। सो गाइस हाँ बहुत अच्छा ले, जिसके लिए वीडियो बनाई उसको तो बता दें कैसा लगा। सो ये जो है ना मैंने फाड़ फूल के रख दिया भाई, बहुत अच्छा पार्सल था। और जो सेम चीज़ मैंने ऑर्डर की थी सेम वही आई है, मैंने कार्ड ऑर्डर किए थे और जो ऑर्डर किया सेम प्लेस हुआ है। और टाइम मतलब मैंने कल ऑर्डर किया है और आज मुझे रिसीव भी हो गया। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है वन डे के अंदर। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है और वन डे में डिलीवर कर दिया। थैंक यू सो मच। दिस स्टोर जो भी नाम है इनका दोबारा से पढ़ लेते, क्या नाम है, हाकिमी आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर। सो थैंक यू सो मच, आपका पार्सल हमें बहुत पसंद आया, डिलीवरी भी बहुत फास्ट है और कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्सल एंड इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा कि ये है कौन और भाई आपको दराज का रिव्यू पसंद आया कि नहीं आया। उसके अलावा ब्रोड को दराज की बुराइयां करिया बच्ची सी दे वो तेरी नहीं यार, सब स्टोर के अलग अलग होते हैं। पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई मुझे अच्छा पार्सल नहीं आया था दराज की तरफ से, लेकिन अब अच्छा आया, आई सेटिस्फाइड दिस। सो गाइज आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर दराज पे मैंने ऑर्डर किया था और मुझे जो है कैसा ऑर्डर मिला था, क्या मिला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप लोग जाके ज़रूर देखना। बट इस बार जो मैंने दराज से ऑर्डर किया, इस बार मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ मिली है और आई एम फुली सेटिस्फाइड दिस। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ऑर्डर भी जल्दी करेंगे, नेक्स्ट रिव्यू भी जल्दी लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जल्दी से लाइक करो, कॉमेंट्स करो कि ये कौन है और आपको दराज के रिव्यूज अच्छे लगे कि नहीं लगे। और आप लोग शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो मज़ा आया होगा, होपफुली कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो वीडियो और इसी तरह लोगों का टैलेंट आगे लेकर जाएं और बढ़ाएं। और ऊपर नीचे कोई नहीं होता, इंसान सब बराबर होते हैं, तो टैलेंट का फ़र्क होता है, इंसान के पास कुछ होता है और कुछ नहीं होता, तो मतलब यही है सब कुछ। तो भाई चलते हैं मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मा लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।